तो सौरभ जोशी वाला जो सीन था, सौरभ ऑफेंड हो गया था ना तुमसे? हाँ, मतलब एक कमेंट कर दिया था उन्होंने मेरे वीडियो में, एंड मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, एंड ये चीज मैं बताया नहीं, बट उनके भाई के तरफ से मेरे को मैसेज आया। सो गाइस, आपको याद होगा एक टाइम पर सौरभ जोशी और नियॉन मैन के बीच कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। बेसिकली सौरभ जोशी को किसी ने एक्सपोज किया था, तो उस न्यूज को नियॉन मैन ने अपनी वीडियो में कवर किया था, जिसपे सौरभ जोशी बड़ा सा कॉमेंट लिखकर शेम ऑन यू नियॉन मैन कह दिए थे। तो रिसेंटली सम्राट भाई के पॉडकास्ट में फाइनली नियॉन मैन ने पूरा इंसिडेंट शेयर किया। वो क्या कहे, लेट्स सी। तुम्हारी किसके साथ थी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी? सबसे बड़ी मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर देखा जाए तो सौरभ जोशी वाला जो सीन था। सौरभ ऑफेंड हो गया था ना तुमसे? हाँ, मतलब एक कमेंट कर दिया था उन्होंने मेरे वीडियो में, एंड मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, एंड ये चीज मैं बताया नहीं, बट उनके भाई के तरफ से मेरे को मैसेज आया। पीयूष की तरफ से? नहीं, अरे पीयूष नहीं, साहिल के तरफ से। फिर हम लोग का बातचीत हुआ, एंड देन उसी दिन सॉर्ट आउट हो गया था। अरे यार, उसके अगेंस्ट वाला मेरे को समझ भी नहीं आया, सौरभ के अगेंस्ट तो एकदम हेट होना शुरू। अरे एक बार में अगर अचानक से कोई बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मेरे को ऐसा कुछ पर्सनल कभी हुआ ही नहीं, बस वो एक कमेंट वाला सीन था, मैं अपना रिप्लाई किया एंड देन खत्म, मेरे को कुछ पर्सनल हेट है ही नहीं, अनफॉलो कर दिए वो सौरभ भाई। हाँ सेम, मेरे को क्यों किए थे पता है? एक तो मैंने कुछ तो न्यूज़ दिया था, तो वो अनफॉलो हो गया है। अब यार मेरे को बता देते पर्सनली, मैसेज बात था ठीक है, मैंने आपके कुछ एक न्यूज़ दे दिया, आपने मुझे अनफॉलो कर दिया कुछ बिना बताए। नहीं देखो, दो तरीका होता है, एक अनफॉलो अगर कोई किसी से कर रहा है ना, तो एक उसे ना ईगो हट वाली बात हो जाती है, सामने वाले का भी हो जाता है। मैं अगर तुम्हें अनफॉलो कर दूं या तुम्हें कर दूं, तुम्हें ईगो हट हो जाएगी इसने मुझे करा कैसे, वो सामने वाले का ईगो जस्टिफाइड हो जाता है कि यार मैंने कर दिया, इसको हटा दिया अपनी जिंदगी से, तो ये तो है। लेकिन सौरभ भाई अगर देख रहे हो तो यार ये थोड़ा सा अननेचुरल डिसीजन है।